विपक्ष जितना भी है यहाँ पर रह के, प्रजातंत्र का मंदिर है ये विधानसभा, और इसे और सुदृढ़ बनाया जाए और बेहतर बनाया जाए, इन्हीं बिंदुओं पर आज चर्चा हुई। लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। पूरा बिहार का प्रशासनिक तंत्र अपने स्वार्थ में लूट में लगा हुआ है, सब बालू और दारू में लूट रहा है। बाकी किस दल का विधायक क्या कर रहे हैं इसका जवाबदेही हम लोग नहीं है। कांग्रेस में भी कोई दरार नहीं है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के विधायक सिद्धार्थ जी हैं। सिद्धार्थ जी, समारोह मनाया गया, शताब्दी समारोह, क्या अनुभव रहा आपका? बहुत बढ़िया अनुभव रहा। हाँ, और सब बातें हुई, सत्र को बढ़ाने की भी बातें हुई हैं। सब लोगों ने अपना पक्ष विपक्ष जितना भी है यहाँ पर रह के, प्रजातंत्र का मंदिर है ये विधानसभा, और इसे और सुदृढ़ बनाया जाए और बेहतर बनाया जाए, इन्हीं बिंदुओं पर आज चर्चा हुई। विधायकों ने कई बातें रखी अपने बयानों के जरिए। अब्दुल इमाम ने कहा कि इस तरह का समारोह नहीं होना चाहिए, इससे अच्छा होता कि आप डिबेट करवा लेते। नहीं, समारोह तो होना ही चाहिए, इसे राजनीति का ये समारोह नहीं था, ये शताब्दी दिवस का समारोह था। इस समारोह से कोई हम लोगों को आपत्ति। तेजस्वी यादव नहीं आया, नेता प्रतिपक्ष है, राजद जवाब देगा, ये कांग्रेस जवाब नहीं देगी। बिहार में क्या हो रहा है? लगातार लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। पूरा बिहार का प्रशासनिक तंत्र अपने स्वार्थ में लूट में लगा हुआ है, सब बालू और दारू में लूट रहा है। बाकी जनता का, आम नागरिक का कोई ध्यान किसी प्रशासनिक तंत्र को नहीं है। अपराध में वृद्धि हो रहा है, बलात्कार में वृद्धि हो रहा है, भ्रष्टाचार चरम प्रकाष्ठा पर है। तो बिहार की तो बर्बादी हो रही है। इन सीएम कह रहे हैं कि हालात जो है वो काबू में कर लिए जाएंगे, जनता क्या कह रही है? आम नागरिक कराह रहा है। एक आखिरी सवाल है कि जेडीयू जो है, नीतीश कुमार की पार्टी, वो लगातार अन्य दलों के विधायकों को अपने खेमे में कर रही है। बीएसपी के विधायक आ गए, लोजपा के जो विधायक हैं उनके साथ उनकी बैठक हो रही है, एआईएम के विधायक भी उनसे मुलाकात करने जाते हैं, और अब ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के विधायक भी टूट सकते हैं। तो इंटैक्ट है आप लोग? कांग्रेस के टूटने का कोई आसार नहीं है। हाँ, ये अपने मन में ख्वाली पुलाव पुकारने से नहीं होगा। बाकी किस दल का विधायक क्या कर रहे हैं इसका जवाबदेही हम लोग नहीं है। कांग्रेस में भी कोई दरार नहीं है। और लेकिन जिस तरीके से भक्तचरण दास जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं लगातार बैठकें कर रहे हैं, तो लगता है कि जो विधायक हैं आपके इंटैक्ट रह पाएंगे आने वाले? निश्चित रूप से। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी लगी हुई है तोड़फोड़ में, किसी के लगने से क्या हो जाएगा? अपहरण थोड़े कर लेंगे। जिसका जो मनोवृत्ति होगा वही ना करेगा। हमारा मनोवृत्ति है कांग्रेस के आइडियोलॉजी के साथ, तब कांग्रेस के साथ है। आगे क्या रणनीति है किसान आंदोलन को लेकर? निश्चित रूप से हमारे अभी प्रभारी भी जो आए हैं भक्तचरण दास जी, वो क्रांतिकारी और वर्कर किस्म के व्यक्ति हैं, और हर जिला में गए हैं। वहाँ एक जिला में जाने से एक नया जोश उमंग कार्यकर्ताओं के बीच में आया है, और इसका लाभ निश्चित रूप से आगे हमें मिलेगा। चलिए, थे कांग्रेस के विधायक सिद्धार्थ विक्रम से विधायक हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन।